एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लव्स किचन। आज मैं लेके आई हूँ डबल चॉकलेट एगलेस कपकेक की रेसिपी, जो कि क्रिसमस, न्यू ईयर, किसी भी सेलिब्रेशन के टाइम पे आप बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट भी हम यूज़ नहीं करेंगे और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। किसी को भी आप सर्व करेंगे ना तो ज़रूर बहुत पसंद से खाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट। यहाँ पे ना हम एक बोल लेंगे बड़ा सा, उसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध और 1/3 कप ना हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप ऑयल या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें कोई एसेंस ना हो। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस। सारी चीज़ों को ना पहले हम अच्छे से विस्कर की हेल्प से मिला लेंगे, विस्कर या स्पून से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो पहले हम लेंगे एक छलनी, सीव लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना पिसा हुआ चीनी। नॉर्मल चीनी को मैंने पीस लिया था। और उसके बाद डालेंगे 1.5 कप मैदा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से छान के हम डालेंगे। और उसके बाद ना हम इसमें ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना ही बेकिंग सोडा। 1/4 कप कोकोआ पाउडर, अनस्वीटेंड, स्वीटेंड कोई भी कोका पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अभी थोड़ा सा ड्राई लगेगा तो बाकी का वेट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे। तो एक बार ही हम इसको सिर्फ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को विस्कर की हेल्प से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी मिक्स। तो यहाँ पे ना हम 1 टीस्पून जितना इंस्टेंट कॉफ़ी लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे, और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना गरम पानी, वर्ल्ड वाटर डालेंगे। और इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये इंस्टेंट मिक्सचर को। ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो हमने बना के रखा है बैटर उसमें इसको डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा एनहांस होता है, इसलिए हम इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्सचर इसमें डालेंगे। तो ये एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और फिर इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था तो 2 टेबलस्पून मैंने रखा है दूध, ज़रूरत पड़ेगा तो 1 टेबलस्पून और डालेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी रिबन वाली हमें चाहिए। तो बस ये सारा मैंने दूध इसमें मिला दिया था। और लास्ट में ना हम 1 टेबलस्पून जितना विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने के बाद हमें ओवर मिक्स इसको नहीं करना है, तो विनेगर डाल देंगे और थोड़ी देर इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है विनेगर डालने के बाद। तो बस ये हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ये हो गया हमारा बैटर रेडी। कोई भी स्पेशल ओकेशन में ना इसे बनाकर झटपट से रेडी कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम लोग ना ये कपकेक वाला मोल्ड भी लेंगे और नॉर्मल टिन भी लिया है मैंने। ये पेपर लाइनर्स है, अगर ये आपके पास नहीं है तो जो मोल्ड है ना उसको आप ग्रीस करके यूज़ कर सकते हैं, या पेपर लाइनर को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके ऊपर पेपर लाइनर लगाए फिर उसे ग्रीस करके यूज़ कर लें, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर ये नहीं है आपके पास तो टिन में पेपर लाइनर की हेल्प से आप बना सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेट और ये इस तरह का कटोरा रख कर आप कपकेक्स बना सकते हैं, या कॉफ़ी कप्स में भी बना सकते हैं। तो ये जो बैटर हमने लिया था इसको पहले तो हमने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, मोल्ड को भी और पेपर लाइनर को भी, और उसके बाद जो बैटर है वो सारे में हम डाल देंगे। तो एक साथ में हमारा 11 से 12 कपकेक्स बन के तैयार हो जाएगा। ऊपर से ना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये डालने पे ना थोड़ा सा ऊपर में जो है ना होल हो जाता है क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा स्टीम से। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो डालिए वरना इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डबल चॉकलेट एगलेस कपकेक बना रहे हैं इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया था 10 मिनट पहले फ्लेम को, लो फ्लेम पे, और उसके बाद ये सारा एक के ऊपर एक स्टैक करके हम इस तरह से रख देंगे। और इससे ना 25 मिनट्स तक हम कंटिन्यू बेक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो से हल्का हाई रखना है, बिल्कुल लो पे, क्योंकि हम स्टैक करके रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए लो से हल्का हाई पे हम इसे 35 मिनट्स के लिए बेक किया था। 35 मिनट्स के बाद इसको ओपन करके देखिए, इसमें स्क्वायर डालते हैं टूथपिक्स, तो बिल्कुल क्लीन आ रहा है, मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। तो ऊपर वाला जो कपकेक वाला मोल्ड है हम हटा कर देखते हैं नीचे वाला कैसा बेक हुआ है हमारा। ये तो अच्छे से बेक हो गया है, और जो भी हमने डाला था चोको चिप्स वो भी मेल्ट हो गया है।
तो बस इसलिए मैं बोल रही थी, अगर आपको चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं ये वाले पार्ट को। अब इसमें भी हम टूथपिक स्क्वायर डाल के चेक करते हैं कि ये हमारा कैसा बेक हुआ है। तो ये वाला भी हमारा अच्छे से बेक हो गया है। तो ये हमारा कपकेक्स बन के तैयार हो गया है। बस अब हम इसे निकाल देंगे और रूम टेम्परेचर में आने तक वेट करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और देखिए बिल्कुल इजीली से ना ये निकल जाएगा। अगर लगता है कि थोड़ा स्टिकी हो रहा है तो एक बार कॉर्नर्स एजेस पे ना नाइफ को राउंड से घुमा दे, बस वो कपकेक्स निकल जाएगा। पेपर लाइनर हटाकर दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसमें जाली फॉर्म हुआ है। बहुत स्पंजी केक बन के तैयार होता है। तो देखिए पेपर लाइनर हटाने के बाद भी बहुत अच्छा केक बन के, स्पंजी केक हमारा कपकेक बन के तैयार हुआ है। तो ये क्रिसमस न्यू ईयर में आप किसी भी सेलिब्रेशन के टाइम पे ये बना के सर्व कर सकते हैं। जिसको भी सर्व करेंगे ना बहुत स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। तो बस अब हम इसे ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने हाफ कप व्हिपिंग क्रीम लिया है, उसको अच्छे से मैंने व्हिप कर लिया। और ये हमारा, इसका डिटेलिंग मेरे कोई भी लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, व्हिप क्रीम को बीट करने का डिटेलिंग। और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये सारा कपकेक्स अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्लावर नोजल और जो हमने बीट करके रखा है क्रीम को, वो पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और इस तरह से फ्लावर का शेप दे देंगे कपकेक्स के ऊपर। सारा हम इसी तरह से डेकोरेट करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से हमने डेकोरेट किया है और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। सारे कपकेक को इसी तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे। तो ये हमने डेकोरेट कर लिया, इसे और थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि देखने में भी बहुत सुंदर लगे ये। तो स्प्रिंकलर्स यूज़ करूँगी, यहाँ पे वमसली वाला स्प्रिंकलर यूज़ कर रही हूँ अभी मैं, रेनबो वाला। ये चारों तरफ से अच्छे से हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। आपके पास टूटी फ्रूटी है उससे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ऐसे ही सर्व कर सकते हैं बिना किसी डेकोरेशन का, बिना कोई व्हिप क्रीम का। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा सा चॉको चिप से डेकोरेट करेंगे, जितना ऑप्शनल्स है आपके पास, या विदाउट किसी चीज़ का भी आप सर्व कर सकते हैं। टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, क्रीम के बाद थोड़ा सा और वो कहते हैं ना क्रीमी टेक्सचर देगा बस। तो लास्ट में ये इस तरह के बोल वाले स्प्रिंकल्स से हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो ये सारा कपकेक्स हमारा सेलिब्रेशन के लिए रेडी है फॉर सर्विंग। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। क्रिसमस हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी भी चीज़ के लिए बना के, छोटे छोटे लंच बॉक्स के लिए भी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ना बहुत सिंपल तरीके से आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। चॉकलेट की जगह वनीला भी आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारा कपकेक्स बन के तैयार हो गया है, डबल चॉकलेट कपकेक्स मफिन्स बन के तैयार हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस न्यू ईयर, इस क्रिसमस, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।